आप अपने रोज़मर के मुशाहे में बेशुमार चीज़ें देखते हैं इनमें से बास चीज़ें हरकत कर रही होती हैं और बास साकिन। मसलन ये खिलौना हरकत कर रहा है और मेज़ पर रखी हुई ये किताब पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा साकिन हालत में है इसके अलावा मुख्तलफ़ चीज़ें मुख्तलिफ तरीक़ों से हरकत करती हैं बास चीज़ें ख़ मस्तकीम यानी स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रही होती हैं और बास दायरे में अगर एक लकड़ी के टुकड़े को रस्सी से बांधकर घुमाएं, तो जो हरकत पैदा होगी वो दायरे में हरकत की एक मिसाल है कुछ चीज़ें अपने महवर के गर्द हरकत करती हैं और कुछ अपनी साकिन हालत के इर्द गिर्द इरताश पैदा करती हैं मसलन ये खिलौने का पहिया जो अपने महवर के गिर्द हरकत कर रहा है इसी तरह अगर हम एक रबर को खींच कर छोड़ दें तो ये इरताश पैदा करता है इसके अलावा आप ये भी मुशाह करते हैं कि चीज़ें आहिस्ता और कुछ चीज़ें तेज़ी से हरकत करती हैं और बास हरकत करती हुई चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता साकिन हो जाती हैं अज़ीज़ तलबा हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों का हालत सकून और हरकत करते हुए मुशाह किया इन सब बातों से ये तासर क़ायम होता है के सकून यानी रेस्ट और हरकत यानी मोशन का कुत यानी फोर्स से गहरा ताल्लुक़ है आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं मौजूद से मुतल बुनियादी बातों पर बहस करेंगे आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि साइंस की अतलाह में हरकत और सकून से क्या मुराद है मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि सड़क के किनारे एक खातून खड़ी हैं इनके पास से एक कार गुजर रही है इस बात को हम यूँ भी कह सकते हैं कि सड़क के किनारे खड़ी ख़ातून के लिहाज से कार अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है यानी कार हरकत कर रही है इसी तरह अगर ये कार सड़क पर खड़ी खातून के पास आकर रुक जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अब कार की पोजीशन बाहर खड़ी खातून के लिहाज से तब्दील नहीं हो रही जिसका मतलब यह है कि कार अब हालत सुकून में है हरकत और सुकून के बारे में एक और दिलचस्प बात यह भी हो सकती है कि एक ही चीज़ मुख्तलिफ चीज़ों के लिहाज से हालत सुकून में भी हो सकती है और हरकत में भी मिसाल के तौर पे गाड़ी में चंद बच्चे सफ़र कर रहे हैं वो गाड़ी के अंदर की अशिया या दूसरे बच्चों के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहे जबकि उनकी पोजीशन गाड़ी के बाहर की चीज़ों के लिहाज से तब्दील हो रही है इसलिए ये कहा जा सकता है कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए बच्चे एक दूसरे के लिहाज से हालत सुकून में हैं जबकि वो गाड़ी से बाहर की चीज़ों के लिहाज से हरकत में हैं। इसी बात को हम एक दूसरी मिसाल से भी फाज़ कर सकते हैं आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन निज़ाम शमसी का एक सारा है और ये सैारा सूरज के गिरद गर्दिश कर रहा है ज़मीन पर मौजूद मुख्तफ चीज़ें जैसे पहाड़ और इमारतें अगरचे एक दूसरे के लिहाज से हालत सकून में हैं लेकिन ये ज़मीन से बाहर निज़ाम शमसी के दूसरे सैारों के लिहाज से हरकत में होंगी इस बात से जो हम नतीजा अखज़ करते हैं वो ये कि मुख्तलफ़ अशिया की सकून और हरकत की हालतें महज रिलेटिव हैं इन मिसालों से हम सकून और हरकत की साइंसी अलाह में जो तारीफ़ कर सकते हैं वो कुछ यूँ होगी अगर कोई जिसम ए एक दूसरे जिसम बी के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहा हो तो हम कह सकते हैं कि जिसम ए जिसम बी के लिहाज से हरकत की हालत में है अगर कोई जिसम ए दूसरे जिसम बी की नस्बत अपनी जगह तब्दील ना कर रहा हो तो हम कहते हैं कि जिसम ए जिसम बी के लिहाज से हालत सुकून में है, है। अज़ीज़ तलबा आइए अब हम हरकत की मुख्तलिफ अकसाम पर गौर करते हैं अगर एक बॉल को बलंदी पर ले जाकर छोड़ दिया जाए तो ये सीधा नीचे की तरफ हरकत करता है और सतह ज़मीन पर आकर रुक जाता है बुलंदी से गिरने वाले इस बॉल की हरकत ख़त मस्तकीम में है इकसाम की इस हरकत को ख़ती हरकत या ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं हमारी रोज़मर की ज़िंदगी में ट्रांसलेटरी मोशन की मुख्तल मिसालें मिलती हैं जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार या साइकिल ख़ते मुस्तकीम में हरकत करते हुए ट्रांसलेटरी मोशन की मिसाल देती हैं आइए अब हम हरकत की दूसरी किस्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं आप खिलौने का ये देख रहे हैं इस पर एक निशान लगाया गया है जब इस पहिए को हरकत दी जाए तो इस पहे का हर हिस्सा अपने महवर के गिर्द हरकत करना शुरू कर देता है इस हरकत के दौरान पहिए के हर हिस्से का अपने महवर से फ़ासला रहता है ये बात पहिए पर लगाए गए निशान से साफ जाहिर है इतसाम की इस हरकत को गर्दिशी हरकत या रोटेटरी मोशन कहते हैं रोजमर्रा की ज़िंदगी में रोटेटरी मोशन की मुख्तलिफ मिसालें मिलती हैं ये रोटेटरी मोशन हमें बिजली के पंखे या साइकिल के पहिए में नज़र आती है हरकत की तीसरी किस्म अताशी हरकत या वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है आप ये झूला देख रहे हैं ये इस वक्त साकिन है अगर इसको हिलाया जाए तो ये अपनी साकििन हालत के आगे और पीछे हरकत करता है और अपनी इस हरकत को बार बार दोहराता है इत्साम की इस हरकत को अर्ताशी हरकत या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं अगर घड़ी के पेंडुलम को देखें तो इसमें हमें वाइब्रेटरी मोशन नज़र आती है अजीज़ तलबा आइए अब हम कुवत और हरकत के बहमी ताल्लुक़ पर गुफ्तु करते हैं इस ताल्लुक़ को समझने के लिए हम चंद तजर्बात देखते हैं एक साकिन गेंद को अगर एक बच्चा ठोकर लगाता है तो गेंद हरकत करना शुरू कर देता है इसी तरह अगर एक खिलौना गाड़ी को एक रस्सी के ज़रिए खींचा जाए तो ये खिलौना गाड़ी हरकत करती है इन तजर्बा से हमें ये पता चलता है कि एक साकिन जिसम को हरकत देने के लिए कुत का इस्तेमाल ज़रूरी है इसी तरह रोज़मर्रा के मुशाहे में हमारे सामने एक बात आती है कि एक मतहरक जिसम को रोकने के लिए मुखालिफ सिम से एक क़त का इस्तेमाल ज़रूरी है जैसे इस चलती हुई गेंद को रोकने के लिए अगर इसके सामने हाथ रख दिया जाए तो ये रुक जाती है इसी तरह क्रिकेट की गेंद को कैच करने के लिए मुखालिफ सिम से एक क़त लगाई जाती है जो इसको रोक देती है अज़ीज़ तलबा आपने ये भी मुशाह किया होगा कि बाज़त कुवत लगाने के बावजूद जिसम में हरकत पैदा नहीं होती मिसाल के तौर पर ये बच्ची कार को धक्का लगाकर अपनी कुवत सर्फ कर रही है मगर कुवत में कमी के बायस कार अपनी जगह से हरकत नहीं करती इस तरह अगर ये बच्चा चलती हुई कार को हाथों से रोकने की कोशिश करता है तो त सफ़ करने के बावजूद कार अपनी हरकत जारी रखती है इन तजर्बा से हम जो नतीजा ख़स करते हैं वो कुछ यूँ है कुत या फोर्स वो आमिल है जो किसी जिसम में हरकत पैदा करता है या हरकत पैदा करने की कोशिश करता है या फिर किसी मुतहरक जिसम की हरकत को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है अज़ीज़ तलबा यही दरअसल कुत की तारीफ है हमारे रोजमर्रा के मुशाहे में कुत के एक और मिसाल ज़मीन की कशिश शक्ल है यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये कुत ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ पर अमल करती है और इसको हर वक़्त अपनी तरफ़ खींचती रहती है मिसाल के तौर पर अगर इस बॉल को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया जाए तो ये ज़मीन की तरफ हरकत करेगी कुत और हरकत के बाहमी ताल्लक़ का तफसीली मत करते हुए न्यूटन नामी एक साइंसदान हरकत के मतलब तीन बुनियादी कवानी फ़ा किए इन कवानी को न्यूटन के कवान हरकत यानी न्यूटन लॉज ऑफ़ मोशन का नाम दिया गया है ये कवानी मुख्तलिफ़ इतसाम की हरकत को समझने में बुनियादी हैसियत के हामिल हैं आइए अब हम बारी बारी इन तीनों कवानीन को मिसालों और तजर्बात की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं ये हमारा मामूल का मुशाह है कि साकििन जिसम ख़ुद ब खुद हरकत करना नहीं शुरू कर देते अगर हम कोई चीज़ कहीं रखते हैं तो हम ये तो करते हैं कि वो चीज़ हमें उसी जगह पर पड़ी मिलेगी मेज़ पर रखी हुई ये किताब उस वक़्त तक हमेशा यहीं पड़ी रहेगी जब तक कोई बैरूनीकत ताकत लगाकर इसको यहाँ से उठाना ले इसी तरह हम ये भी तवक्को करते हैं कि एक मतहरक जिसम किसी बेरुनी ताकत की गैर मौजूदगी में यसा वेलोसिटी के साथ ख़ते मुस्तकीम में हमेशा हरकत करता रहेगा मगर हमारा आम मुशाह इससे बरक्स है आप देखते हैं कि अगर एक साइकिल सवार एक हमवार सड़क पर पैडल चलाना बंद कर दे तो साइकिल कुछ दूर जाकर रुक जाती है थोड़ा सा गौर करने से हमारे सामने ये बात आती है कि साइकिल खुद बखुद नहीं रुकती बल्कि उस पर बैरूनीतें असर कर रही होती हैं ये बैरूनीतें हवा और ज़मीन की मज़ात है ये दोनों कुतें साइकिल पर अमल करती हैं और उसकी रफ़्तार को कम करके आखिरकार ख़त्म करने का बायस बनती हैं आइए इसी बात को एक और मिसाल से देखते हैं आप देख रहे हैं कि ये बच्चा पिस्तौल नुमा खिलौने की मदद से एक गेंद को फेंकता है और ये गेंद कुछ फासला तय करने के बाद ज़मीन पर गिरती है और साकिन हो जाती है इस सूरत में भी वही दो दोवतें यानी हवा और सतह ज़मीन की मजाहमत बॉल पर अमल करती हैं और इसकी हरकत को ख़त्म कर देती हैं अगर हम किसी तरीके से इन दोनों कुतों से छुटकारा हासिल कर लें तो साइकिल और बॉल यकसा वेलोसिटी के साथ ख़त मस्तकी में हमेशा हमेशा के लिए हरकत करते रहेंगे लेकिन ये हमारी ज़मीनी फ़जा में मुमकिन नहीं ये सिर्फ़ ख़ला में मुमकिन है इन मिसालों की रोशनी में न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो तारीफ़ की जा सकती है वो कुछ इन अल्फाज में होगी किसी बैरूनी कुत की गैर मौजूदगी में एक साकििन जिसम हमेशा साकििन रहता है और मतहरक जिसम वेलोसिटी के साथ ख़ मस्तकीम में अपनी हरकत जारी रखता है न्यूटन के पहले कानून हरकत का ब़ौर जायज़ा लेने से एक और बात हमारे सामने आती है वो ये कि मादी जिसम अपने अंदर एक बुनियादी खसूसियत रखता है इस खसूसियत के मुताबिक एक साकििन जिसम अपनी हालत सुकून को बरकरार रखने की कोशिश करता है और अगर वो हरकत में हो तो अपनी हरकत को ख़त मस्तकीम में जारी रखने की कोशिश करता है इस बात को दूसरे अल्फाज में कुछ यूँ कह सकते हैं हर मादी जिसम में ये खासियत मौजूद होती है कि वो अपनी हालत सकून हरकत की हालत में तब्दीली की मजामत करता है इतसाम की इस खूसियत को जमूद या इनर्शिया का नाम दिया गया है चूँकि इस्लाम की इस बुनियादी खसूसियत का यानी जमूत का न्यूटन के पहले कानून हरकत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है इसलिए इसको जमूत का कानून या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं आइए अब हम न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के बारे में बात करते हैं आप ये तो जानते हैं कि जब एक साकिन जिसम पर कुवत लगाई जाए तो वो हरकत करना शुरू कर देता है आप ये भी जानते हैं कि हरकत करने से वेलोसिटी तब्दील होती है और वेलोसिटी की इस तब्दीली की शरह को इसरा यानी एक्सेलरेशन कहते हैं न्यूटन का दूसरा कानून हरकत कुवत और उससे पैदा होने वाली इसरा के बाहमी ताल्लुक़ को बयान करता है आइए इस ताल्लुक़ को समझने के लिए एक मिसाल देखते हैं ये बच्चा एक फुटबॉल को फेंक रहा है क्योंकि ये बच्चा छोटा है इसलिए यह फुटबॉल पर कम कुत ही लगा सकता है अब एक दूसरा बच्चा जो पहले बच्चे से कुछ बड़ा है वो भी इस फुटबॉल को फेंकता है आप देखेंगे इस दफ़ा ये बॉल ज़्यादा दूर जाता है यानी ज़्यादा वेलोसिटी से हरकत करता है इसी तरह जब एक बड़ा आदमी फ़ुटबॉल को फेंकता है तो वही फ़ुटबॉल पहली दोनों सूरतों से ज़्यादा दूर जाता है यानी इसकी वेलोसिटी पहले से भी ज़्यादा है इस मिसाल से हम ये नतीजा ख़स कर सकते हैं कि बॉल पर जितनी ज़्यादा कुत लगाई जाए उसमें इतना ही इसरा पैदा होगा यानी कुवत और इसरा आपस में रास्त मुतनासिब हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं इस मिसाल की रोशनी में हम न्यूटन के दूसरे कानून हरकत की जो तारीफ़ कर सकते हैं वो कुछ यूँ होगी जब कोई बैरूनीत किसी जिस्म पर अमल करती है तो वो अपनी ही सिमत में इस जिस्म में इसरा पैदा करती है और इस इसरा की मकदार इस बैरूनी क़वत के रास्त मुतनासब होती है इस क़ानून हरकत को हम हिसाबी शक्ल में भी लिख सकते हैं अगर हम फोर्स को एफ़ से और एक्सेलरेशन को ए से जाहिर करें तो इस क़ानून हरकत को हिसाबी शक्ल में इस तरीके से लिखा जा सकता है कि एफ़ इज़ प्रोपोर्शनल टू ए इस मसावत में तनासब का मुस्किल जुज कमीत है जिसका सिंबल एम है इस तरह दूसरे क़ानून हरकत की मसावत को हम यूँ लिख सकते हैं एफ़ इज़ इक्ल टू एम अजीज़ तलबा ये तो था न्यूटन का दूसरा कानून हरकत आइए अब न्यूटन के तीसरे कानून हरकत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं अगर एक बॉल को बुलंदी पे से ले जा छोड़ दिया जाए तो ये उछलता है आखिर ऐसा क्यों होता है इसकी वजह यह है कि जब बॉल सतह ज़मीन से टकराता है तो ये ज़मीन पर नीचे की तरफ एक कुवत लगाता है इस कुवत को ज़मीन पर बॉल का एक्शन कहते हैं के जवाब में जमीन बॉल पर एक कुत लगाती है जिसे जमीन का रद्द या रिएक्शन कहते हैं इस रद्दअमल की वजह से बॉल दोबारा वापस उछलता है अमल और रद्दअमल की वजाहत के लिए आइए एक तजर्बा करते हैं ये एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें आम हवा भरी हुई है इसकी लंबाई वाली जानब मशरूब पीने वाली नलकी टेप की मदद से जोड़ी गई है इस नलकी में से बारीक तार गुजारा गया है जो खींचकर कर दोनों तरफ बांध दिया गया है इसको एक सिरे पर लाकर इसका मुंह खोल दें आपने देखा कि गुब्बारा तार के साथ साथ आगे की तरफ़ हरकत करता है इस बात से ये साफ़ जाहिर है कि किबारे में से हवा निकलने के अमल के रद्दमल में ़ुबारे पर एक जवाबी जवाबीवत असर करती है जो ग़ुबारे को आगे हरकत करने पर मजबूर करती है अगर ग़ुबारे में एक कोई रंग डाल दिया जाए तो ये बात आसानी से सामने आ सकती है कि अमल और रद्दमल की क़तें आपस में मुखालिफ हैं इन मिसालों से जो नतीजा सामने आता है इसे हम यूँ बयान कर सकते हैं जब कभी भी किसी एक जिसम पर कोई क़त अमल करती है तो किसी दूसरे जिसम पर लाजमन एक ऐसी क़त अमल करती है जो मकदार में पहली क़त के बराबर लेकिन सिमत में मुखालफ होती है यही असूल न्यूटन का तीसरा कानून हरकत है इसको कुछ इन अल्फाज में भी कहा जा सकता है हर कुत के अमल का एक रदे अमल होता है नीज अमल और रदे अमल आपस में हमेशा बराबर लेकिन सिमत में मुखालफ होते हैं अजीज तलबा इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले आइए इस प्रोग्राम के बुनियादी नुकात को दोहरा लेते हैं साइंस की असलाह में हरकत की तारीफ़ कुछ यूँ होगी अगर कोई जिसम ए दूसरे जिसम बी के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहा हो तो हम कहते हैं कि जिसम ए जिसम बी के लिहाज से हरकत की हालत में है इसी तरह अगर कोई जिसम ए एक दूसरे जिसम बी के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना करे तो हम कहते हैं कि जिसम ए जिसम बी के लिहाज से हालत सुकून में है हरकत अपनी नौीय के लिहाज से तीन तरह की होती है नंबर एक ख़ती हरकत या ट्रांसलेटरी मोशन नंबर दो गर्दिशी हरकत या रोटेटरी मोशन और नंबर तीन अरताशी हरकत या वाइब्रेटरी मोशन क़त या फोर्स की तारीफ़ कुछ यूँ होगी क़त वो आमिल है जो किसी जिस्म में हरकत पैदा करता है या हरकत पैदा करने की कोशिश करता है या फिर किसी मुतहरक जिस्म की हरकत को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है न्यूटन के पहले कानून हरकत के मुताबिक किसी बैरूनीत की ैर मौजूदगी में एक साकिन जिसम हमेशा साकिन रहता है और मतहरक जिसमा वेलोसिटी के साथ ख़त मस्तकम में अपनी हरकत जारी रखता है न्यूटन के दूसरे क़ानून हरकत को यूं बयान किया जा सकता है जब कोई बैरूनीत किसी जिसम पर अमल करती है तो वो अपनी ही सिमत में इस जिसम में इसरा पैदा करती है और इस इसरा की मकदार इस बैरूनीत के रास्त मुतनासिब होती है मसावात की शक्ल में इस कानून को इस तरीके से लिखा जाता है F इज़ इक्ल टू एम ए न्यूटन के तीसरे कानून हरकत की तारीफ़ ये है हर क़त के अमल का एक रद्दे अमल होता है नीज अमल और रद्दमल आपस में हमेशा बराबर लेकिन सिमत में मुखालफ होते हैं अज़ीज़ तलबा ये प्रोग्रामक और हरकत के बारे में था अब इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ